Assalamu alaikum dear friends, how are you? Hopefully you are fine. Students, hum kar rahe hain, I start chapter number 7, exercise 7.1. तो इस एक्सरसाइज में हम क्या देखते थे, हम इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इक्वालिटीज़ क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे, बिल्कुल सेम वैसा ही है, जस्ट एक वर्ड है जो आपके लिए एक नया आपको फील होगा, करने का मैथड क्वेश्चन का बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है। तो हम पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं इनको। हमारे पास सपोज के ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी होती है 2+1/3। तो मैंने पहले भी बताया था आपको इसके बारे में कि जब भी हमारे पास तो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, दरमियान में प्लस या माइनस होता होगा, तो हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के अब दो तीन मेथड हैं कि आपने इसको कैसे करना है। नंबर वन कि हमारे पास ये क्या 3 है, ये क्या 2 है, तो हम क्या करें कि 2 को इसकी इक्वल कर दे, इस डिनोमिनेटर के इक्वल कर दे, और इस वाले 3 को इस वाले डिनोमिनेटर के इक्वल कर दे। तो अगर हमने इनको इस दूसरे के इक्वल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो अगर किसी वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई जिससे करते हैं, ऊपर भी उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6। अगर इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आता है, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 6। और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 का 6, 2 1 का 2 और 3 2 का 6। ये हमारे पास नंबर वन मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पहले अपने गिवन डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। जब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो फिर हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। जब उनका एलसीएम आता है तो सेम वैल्यू होती है, 6 है तो एलसीएम एक ही आएगा इनका। 6 को अंदर रखेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे, 6 को अंदर रखेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया, 1। ये वाला 1 जो होगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3+2/6, आंसर आ जाएगा 5/6। ये हमारे पास एक मेथड एलसीएम लेने का, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 1/3, दरमियान में अब माइनस आ रहा है 1/2। एलसीएम लेना है तो क्या होगा, 3 को अंदर रखेंगे 2, तो पहले 2 पे 2 1 द 2, फिर 3 1 द 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाता है, 6। इधर क्या लिखा है, एलसीएम 6। जो हमारा एलसीएम होता है उसको अंदर रखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको डिवाइड, 3 2 का 6, तो आंसर क्या आया, 2। ये वाला 2 होता है ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 का क्या आ गया, 6। ये वाला जो 3 होगा ये ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3, जहाँ पर माइनस का साइन है माइनस आएगा, तो आ जाएगा 2 -3/6, तो आंसर आ गया -1/6। ये हमारे पास था सेकंड मेथड एलसीएम लेने का, ठीक है जी। है हमने यहाँ पे दो मेथड पढ़े हैं एलसीएम लेने के, इनको मैंने जो जहाँ पर एलसीएम लेने के ये मेथड डिफाइन किए हैं, ये ही हमने इनमें यूज़ करने हैं और इन्हीं के थ्रू हमारा सारे क्वेश्चंस का सलूशन होना है। तो अब अगर आप देखें तो ये थी सिंपल वैल्यूज़ जहाँ पे 1/x और 1/3 एंड 1/x2 लिखा हुआ है। अगर इन्हीं वैल्यूज़ के साथ मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं 1/3x+1/2x, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। तो अब ये देखिए कि पहले हमारे पास क्या सिंपल लिखा हुआ था, 1/3+1/2, अब सिंपल इनके साथ क्या लग गया है, x एक वेरिएबल लग गया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपल क्या होगा, हमने वैसे इनका एलसीएम लेना है, 6 आ जाएगा, 6 को अंदर रखना है, 3 पर डिवाइड करना है, आंसर 2 आ जाएगा, तो 2 ने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2, और 7x का x आ जाएगा। 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सिंपल आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि पहले हमारे पास x गिवन नहीं था, तो अब सिंपल हमने लिखा था 2+3,
अब चूंकि हमारे पास x गिवन है, अब हमारे पास क्योंकि x गिवन है तो सिर्फ इन वैल्यू के साथ क्या लग देना है, x लग देना है, और x वाली वैल्यू में प्लस हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 5x/6। ये आंसर आ जाएगा जी हमारा। इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होपफुली क्या है, इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पहले हम इनको सिंपल में सिंपल से इनका एलसीएम लेते रहे हैं, और अब अगर किसी के साथ हमारे पास अगर एक्स लग जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसका देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो इसके पार्ट नंबर 2 है एक्स माइनस 3 ओवर 2 ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू दी है। आपने हमेशा क्या करना है, जो x वाली वैल्यू है, अगर सपोज ये x वाली वैल्यू इस तरफ होती तो आपने क्या करना था, पहले इस वाले x वाली वैल्यू को इस तरफ ले आना था, क्योंकि x वाली वैल्यू आपने एक तरफ कर लेनी है इज इक्वल टू के, और दूसरी वैल्यूज आपने उस तरफ ले जानी है इज इक्वल टू के। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 6, 3 को 6 को अंदर रखेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ये 2 हमने लिखा क्योंकि ये अब इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 को अंदर रखेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 3। अब 3 को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 1 वैसे का वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंपल करते आ रहे हैं, 2x माइनस 2 3 का 6 माइनस 3 है तो माइनस अभी वैसे का वैसे रहेगा, सिंपल 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 का 6 माइनस 1। अब ये 6 जो है ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो उनके साइन चेंज हो गए, आ गया माइनस 6। ये प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6। जैसे हम 2 माइनस 3 करते हैं तो आंसर आता है माइनस 1, वैसे ही हम करेंगे 3 में से 2 बाकी माइनस 1, एक्स इसके साथ लगा हुआ था ये एक्स वैसे का वैसे ही लग जाएगा, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या है माइनस 6 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 6 आया एक्स की वैल्यू क्या आ गया 6, अब ये 6 वाली वैल्यू को हमने क्या करना है इस गिवन क्वेश्चन में पुट करके तो इसका चेक करना है। अब हम चेक करने के लिए मैं इसको चले मैं पहले इधर करता हूँ। अब हमने क्या करना है चेक करना है जी इसको, तो चेक करने के लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो है एक्स माइनस 3 ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स की पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ 6 तो आ जाएगा 6 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। 6 में से 3 बाकी 3 ओवर 3 आ गया माइनस 6 में से 2 बाकी 4 ओवर 2 आ गया माइनस 1। दोबारा क्या लेंगे इसका यहाँ पर एलसीएम, तो 6 आएगा, 6 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, 2 ऊपर 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 जो होगा क्या आ जाएगा ऊपर 4 वाले से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ, हमारा आ जाएगा आंसर 3 2 का 6 माइनस 12 ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 1। 12 में से 6 बाकी 6 7 बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा 6 नीचे है इसके, ये 6 6 6 से कैंसिल माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा हमारा चेक क्या है कि हमारा जो चेक आया है वो आ गया जी x दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वैल्यूज बराबर आ गए तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर क्या आया था 6 आया था, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा 6। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट 6 है। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में
इसका जो तमाम पार्ट्स इसी तरह की हैं, इनको सॉल्व करना है। इसमें एक पार्ट नंबर 3 आ रहा है जो कि डिफ़िकल्ट के तौर पे आपको फील हो सकता है, तो इस पार्ट को देखते हैं हम। इस वाले में पार्ट में है यस स्टूडेंट्स, अब है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो हम देखते हैं कि इस पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 1/2 × x-6 + 1/3 + 2/3 = 5/6 + 1/3 × this वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू किसके, ये वैल्यू है 5/6। ये हम लिखेंगे 1/2 × जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। तो ये 6 इस 1 से डिवाइड होगा जब, तो 1/6 का 6 आएगा, तो आंसर उससे ऊपर आके मल्टीप्लाई होकर 6x आ जाएगा, इसका 1 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आया, 1/1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1 आ गया। 2/3 = 5/6 + 1/3, ये है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आया, वो 1/1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ये 1 और 2 है, 2 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6x आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे -1 है, तो ये कभी भी आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, क्योंकि अगर इधर एक्स होता तो ये वैल्यू दूसरे में प्लस या माइनस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, आप ये वाली बाय वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा 6x - 1, 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 2 नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/3 = 5/6 प्लस, यहाँ भी देखें 1 और -6 ऐसे, ये वैल्यू आपस में माइनस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, जैसे ये x है और ये x है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये x वाली वैल्यू एक तरफ कर ली, और जो बगैर x के वैल्यू है 5/x इस तरफ है, तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब x वाली वैल्यू एक तरफ होगी और बगैर x के वैल्यू हमारे पास एक तरफ हो गई है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 अपने आप पर डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6x - 1, 12 को अंदर रखेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा था जब बाई माइनस हो तो वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ज़रूर लिखती हैं, क्योंकि माइनस के साइन का अफेक्ट होता है। यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया, और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6x - 1 - 2 + 12x / 12 = -1/1/6, 5 में से 4 बाकी, 1 आ गया, तो ओवर 6। यहाँ पर ये वैल्यूज़ देखें आपस में, 6 और 12 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 18x, 2 और 1 आपस में प्लस हो गए तो -3 आ जाएगा, आ गया यहाँ पे 1/6 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहते हैं जी अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 18x - 3 12 × 1, 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 8 + 48 + 6 = 6 108 आ गया, x - 6 3 = 18 और 12 आ जाएगा। 108x इस तरफ रहा क्योंकि x वाली वैल्यू में इधर रहनी है, दूसरी वैल्यू उस तरफ चली जानी है, तो 12 में प्लस क्या होगा, 18, तो आंसर आ जाएगा 30। एक्स इधर ही रहा और 1/8 नीचे चला गया, ये जहाँ पे जाके इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तुम्हारे पास आंसर आएगा। इनको आपस में कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा,
ये वैल्यू और ये वैल्यू, टू को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा और 25 था एंड 24 था आ जाएगा। अब ये किस पे डिवाइड होगा, अब इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 5 था 15 एंड 3 1 था 3 एंड 3 8 था 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है x इज इक्वल टू 5/18। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब हमने ये वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में और हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई तो क्या होगा जी, हमारा आंसर क्यों होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा फिर 5/18। अब हम करेंगे चेक, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 5/18 है, 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या है, 5/8 हमने ब्रैकेट में लिख ली है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा जी, 1/2 ये पहले हम इस 18 को एलसीएम लिया तो 5 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 तो 3 5 का 15/18 ये आ गया हमारे पास। 5 में से 3 बाकी 2 आ जाएगा, 2/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 18, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 1/18 प्लस 2/3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो उससे ब्रैकेट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई थी वो सॉल्व होगी। अब हम प्लस वाली वैल्यू को जो उसके साथ है उसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1/3 इंटू 15 में से 9 निकाले हमारे पास आंसर आएगा माइनस 6 और ये 3 1 द 3 एंड 3 2 का 6 आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 द 2 एंड 2 9 द 18 आपस में यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18, 1 प्लस 6 18 को अंदर रखेंगे 3 पर डिवाइड करेंगे आंसर 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 5/6 प्लस ये माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 आ जाएगा। अब हम कहते हैं जी 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 का 6 3 1 का 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3 3 का 9 9 2 का 18 आया, इसका एलसीएम क्या आ रहा है 18। अब इसके एलसीएम के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, 12 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाता है 13/18, तो यहाँ पर आ जाता है जी 18 को अंदर रखेंगे 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 18 को अंदर रखेंगे 9 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 15 में से 2 माइनस करें तो 13/18 13/18 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे इक्वल आ गई है, इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो क्या है 5/18। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ज़रूर था। आपने पहले एक्स की वैल्यू पुट की और उसका एलसीएम लिया, फिर छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसका आंसर आया 2/18, तो जो बाई वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही थी उसके साथ आपने इसको कैंसिल किया तो आपके आंसर 1/18 आ गया। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यू है प्लस 2/3 उसको सॉल्व किया और उसका एलसीएम लिया तो उसका आंसर आ गया 13/8। लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली राइट हैंड साइड, एक्स की वैल्यू पुट की 5/18 चेक करने के लिए क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई आपस में, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया वो लिख लिया, दोनों वैल्यूज जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कट कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल हुई, आंसर आ गया, दोनों का एलसीएम लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इन जितने भी ये क्वेश्चन हैं आप अगर इन दो क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है तो आप समझ सकती हैं कि बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसकी रीज़न के तमाम क्वेश्चंस बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। आपने पहले एक्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और फिर दूसरी वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अगर कोई ब्रैकेट में आ रहा है तो उसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है।
होपफुली कि इसमें और तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वैल्यू लिखी है 2x/5 = 2/3 - 5/4x + 10। तो यहाँ पे जहाँ पे 4x + 10 वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये 4x + 10 वाली वैल्यू लिखी है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 5 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम और दूसरी तरफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। इस पार्ट में देखें हमारे लिए एक क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके फार्मूले को ओपन करेंगे तो आएगा x + 1 - 1 - 1 / x + 1 = 1 / x + 1 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे, अब देखिए x + 1 इधर भी है, x + 1 इधर गया है, दो दफ़ा x + 1 लिखा हुआ है, लेकिन एलसीएम में जब लिखेंगे तो सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा। ये हम 4.21 में इसके बारे में डिटेल से पढ़ के आए थे कि x + 1 एक दफ़ा लिखा जाएगा, 7x - 1 एक दफ़ा लिखा जाएगा। ये दोनों वैल्यू से कैंसिल होगी, आंसर आ गया 2। अब ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल होगा, और ये x - 1 ऊपर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में, तो ये x² - 1 बन जाएगा = x + 1 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 3 - x / x² - 1 = 1/x + 1। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये वैल्यू इससे और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आ जाते हैं जी हमारे पास 3 - x * x + 1 = x² - 1, यही से मल्टीप्लाई होगी, यही से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3x + 3 - x² - x = x² - 1। ये 3x - x² - x, और ये माइनस इधर आके माइनस में बदल जाएगा, -1, ये +3 है तो इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। x और x स्क्वायर वाली वैल्यू तरफ काट ली, 3 में से 1 माइनस किया तो बाकी आ गया 2x - 2x² = -4। तो -2x² + 2x, ये माइनस इधर है इधर जाके +4 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, और पीछे हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा दिस वैल्यू का। ये -2 कॉमन आया तो जितनी माइनस प्लस वाली वैल्यू सब माइनस में चेंज होगी, जो माइनस वाली वैल्यू है प्लस में चेंज होगी, और 2 का जी जब इन वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 2 को x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x है, तो x को जब हम x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आना चाहिए। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2x को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ गया। 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -x, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू इस तरह से पुट की है, अब ये एक तरफ हो जाएगी और ये एक तरफ के कॉमन फैक्टर बनेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से +1 कॉमन आएगा, तो x - 2। हमारे जो फैक्टर है वो करेक्ट होने की सिंबल ये है कि ब्रैकेट के दोनों जो आंसर आते हैं वो हमेशा सेम आ रही होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 एंड x - 2 हमने कॉमन लिया, इस तरह ये आ गया, तो x = -1 एंड x = 2, ये आ गया हमारे पास x एंड x की दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, ये x = -1 एंड ये x = 2। अब हमने क्या करना है, इनको क्वेश्चंस को हमने कर लिया, अब हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है। तो जब हमने इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए हमें दोनों वैल्यू पुट करना पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x = -1 को, तो चेक करने के लिए x की इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर - 1 - 1 + 1 - 1 + 1, तो ये क्या होगा, -1 + 1, ये हमने पहले इसको कर लिया तो आंसर 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे -1 + 1, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, ये 1 + 1, तो माइनस
तो इसको भी करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इनका एलसीएम ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन एंड इन्फिनिटी, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा, जो कि एक इन्फिनिटी आंसर आता है, यानी कि इन्फिनिटी वो होता है जिसको हम काउंट ना कर सकते हों, लामहदूद हो जो चीज़। तो ये हमारा क्या है, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मेरे पास कोई बाकायदा सोल्यूशन नहीं आया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। अब हम क्या पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू टू को पुट करके देखते हैं। जब हम x इज़ इक्वल टू टू को पुट करते हैं इस वैल्यू में चेक करने के लिए, तो देखते हैं क्या आता है, टू का स्क्वायर माइनस वन, टू प्लस वन, टू प्लस वन, तो आ जाएगा फोर माइनस वन, थ्री इज इक्वल टू थ्री, टू ओवर थ्री माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू वन ओवर थ्री, एल सी एम लिया थ्री आया। अब तक आपको एल सी एम का आइडिया हो चुका होगा, वन ओवर थ्री इज इक्वल टू वन ओवर थ्री आंसर आ गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा टू। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। स्टूडेंट्स साहब, हमारा पार्ट नंबर टेन, पार्ट नंबर टेन में अगर आप देखें तो हमारे पास एक वैल्यू सिर्फ दी है, दो वैल्यू सिर्फ दी हैं। मैंने आपसे बोला था जो एक्स वाली वैल्यू है एक तरफ ली है, दूसरी वैल्यू को एक तरफ रहने दें, ये तो है हमारा अपने आप को ईजी करने के लिए। अगर आप वैसे इधर ही रख के सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है, अगर हम इधर ही रख के इसको सॉल्व कर लें और ये वैल्यू इधर ही रहे तो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने एक्स वाली वैल्यू की तरफ करना है, दूसरी वाली वैल्यू की तरफ रख के करना है, तो हम उस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, आप इसको क्या करें, पहले ये वैल्यूज़ को एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये जो सिंपल वाली वैल्यू है वो एक तरफ रह जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस सिक्स ओवर टू एक्स प्लस फोर, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू एक्स प्लस फोर प्लस, अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल और ये वैल्यू वन से क्या क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स, अंदर मल्टीप्लाई करें, फोर एक्स प्लस एट प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स ओवर, नीचे वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, थ्री टू का सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री फोर का ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। अब यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो आ जाएगा सेवन एक्स प्लस फोर्टीन ओवर सिक्स एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स, इनका क्या होगा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू वन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आ जाएगा सिक्स इंटू सेवन एक्स प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू वन, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इसका, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये सिक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा फोर्टी टू एक्स प्लस सिक्स फोर का ट्वेल्व एंड सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर एंड सिक्स फोर सिक्स सेवन एट इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू उस तरफ ले जाती हैं, जीरो इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी टू एक्स माइनस एटी फोर, तो जब इस वैल्यू को इसमें से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 24x है, ये 42x है, तो आ जाएगा 12 में से 4 बाकी 8 और 3 में से 2 बाकी 1x माइनस 84 है, और 84 में से 24 माइनस करना है, 4 में से 4 बाकी 0 एंड 8 में से 2 बाकी 6 आ जाएगा। इस वैल्यू को जब हम अरेंज करके लिखते हैं माइनस 18x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाता है,
तो 6 3 का 18 एंड 6 10 का 60, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम, जो 10 क्योंकि ये 6 वाले आप 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10, तो क्या फैक्टर हम ऐसे बनाएं कि जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और उसमें से माइनस करें तो 3 आ जाए। तो हमारे पास ऐसे दो मल्टीप्लाई हैं 5 and 2। हम ऐसे मल्टीप्लाई, जो हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं हम वो लिखेंगे अब। तो ये फैक्टर अब आप लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+2x-10=0। 5 पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ये और ये पेयर बन जाएगा आपस में, x कॉमन आ गया x-5, यहाँ से 2 कॉमन आया तो x-5। इन दोनों का ब्रैकेट का आंसर सेम होने का मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये हमने कॉमन ले लिया x-5x+2, यहाँ से x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके देखना है चेक करने के लिए कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या इसका सब्स्टिट्यूट जो आंसर आता है सॉल्यूशन सेट कौन सा बनता है। तो हम पहले पुट करते हैं x=-2 को, तो 2 × 3-2+6=1/6-2+4, तो आ जाएगा 2 × 3+6+6 1/6-4+4 1/6-1/0 एंड 2/0। तो ये एक इन्फिनिटी सेट बन जाएगा हमारे पास क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये तो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो ओरिजिनल सोल्यूशन सेट अब हम देखते हैं कौन सा बनता है इसका। तो अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 5 को, तो 2 × 3 × 5+6 1/6-1/2 × 5+4 आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 = 15+6 1/6-2 × 5 = 10+4, तो 21 = 1/6-14। तो इसका एलसीएम लेंगे 14 एंड 6 का, 2 7 2 3 3 1 and 7 3 7 21 2 1 2 2 2 4, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 42। तो 6 7 का 42 और 14 3 का आ जाएगा, 7 में से 3 = 4 आ गया ओवर 42, ये 21/2/21 आ गया। ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होंगे तो आंसर आ गया 21/2/21। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तुम्हारा जो सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना फिर 5। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है।